फिलहाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है वो बीजेपी की ओर से प्रिया सेठी जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, मैम आज का जो प्रदर्शन था ये सभी ने कवर किया, सभी ने दिखाया, पर आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते अभी फिलहाल जो क्राइम रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, आपने देखा कि जम्मू से भी इस तरह के क्राइम रेट सामने आए, आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए क्राइम रेट, देखिए क्राइम कहीं भी बढ़ता है तो वो अच्छा नहीं होता है। क्राइम रेट बढ़ने का इसके भी नतीजा है कि आज रिपोर्ट होती है, आज एक महिला जो है अपने आप को जो अंदर घर में घुस के बैठ जाती थी और कई बार रिपोर्ट नहीं करती थी, आज उसको लगता है कि मेरे लिए इतना कानून बनाए नहीं, कानून की व्यवस्था है कि अगर मैं रिपोर्ट करूंगी तो कहीं ना कहीं मेरे हाथ सक्षम होंगे, कहीं ना कहीं उसको बनाया जाएगा। मुझे लगता है कि क्राइम, किसी भी क्राइम का कोई डेफिनेशन नहीं है, क्राइम इज अ क्राइम और विमेन के अगेंस्ट हो रहा है तो बहुत गलत बात है। रेट्स बढ़ रहे हैं तो उसको कम सोचने का एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उसको किस तरह से कम करना है, उस पर भी एक विचार करना चाहिए। अभी फिलहाल एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह बताया गया कि जैसे निर्भया रेप कांड दिल्ली में हुआ था वैसा एक जम्मू में भी देखा गया है, जम्मू में भी 3 लोगों ने बस के अंदर जो है वो महिला का बलात्कार किया है, अभी तक जो है वो उस पर भी इंक्वायरी चल ही रही है, लोगों को ढूंढा जा रहा है, वो लोग रजौरी के थे। तो आपको क्या लगता है ऐसे जब क्राइम रेट्स यहाँ पर सामने आते हैं, क्योंकि ये नरवाल एरिया में हुआ है तो वहां पर सिक्योरिटी भी टाइट है, तमाम चीजें भी हैं, और वहां से जब बस वो गुजरी होगी, महिला को जब बीच में बस के रखा गया तो कितने नाके कवर करके गुजरी होगी। ऐसा ही एक जो मामला है वो गंग्याल से भी सामने आया था, गंग्याल में भी जो है वो बहुत सी नाके आते हैं जब वो कवर करके निकलते हैं, तो क्या लगता है ऐसे में भूल किसकी है? देखिए हम अगर ये कहें कि इसके अंदर सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन अपना रोल प्ले करती है, लॉज और हर चीज अपना रोल प्ले करते हैं, बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए गए हैं, आपने देखा है कि 2014 के बाद महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज, लेकिन जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो कहीं ना कहीं हम एक क्वेश्चन मार्क भी आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को और बस्तौदी के साथ जो है काम करना चाहिए और फुर्ती के साथ काम करना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को रोक भी लगनी चाहिए। मेरे को पूरी उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन कल्प्रिट्स को, जो जिन्होंने ऐसा जघन अपराध किया है, उनको सलाखों के पीछे लेके जाएगी और इस तरह के लोग ऐसे सोचते हुए भी लोग घबराएंगे आगे। अभी फिलहाल हमने इसी टॉपिक पर जो है वो लोगों से भी बातचीत की थी और लोग ये चीज़ कहते हैं कि हमारे यहाँ पर दिल्ली में जब ऐसा कुछ हुआ लोग बाहर निकले, लोगों ने आवाज़ उठाई और उसको देर से ही सही पर इंसाफ मिला, पर यहाँ पर जब ऐसा हुआ तो लोग छुप कर बैठ जाते हैं, तो इस पर आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ऐसी इसके ऊपर चुप करके बैठने वाली कोई बात नहीं है, समाज के अंदर ऐसी कोई रीति किसी के साथ भी होती है, हमारी बच्चियां हमारी अपनी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हरमपुर पखड़ तरीके से इसकी आवाज़ उठाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी उठाएंगे और जहां जहां जिस जिस जगह पे होगा उसके ऊपर एक बहुत प्रबल तरीके से इसकी आवाज़ उठाएंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं, इस पर आपकी क्या राय है, आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग अपनी राय को रखेगा कमेंट बॉक्स में, बने रहे आप ऑल टाइम्स के साथ, मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।